आईटीआई ने नाडा के अंतर्गत काम करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि अब भारतीय खिलाड़ी को नाडा के परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। साथ ही बता दें कि बीसीसीआई के सीईओ ने भी इन नियमों के पालन करने के लिए हामी भरी है। साथ ही खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को बीसीसीआई के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अंतर्गत आने के फैसले का स्वागत किया है और इसे खेलों में स्वच्छ और पारदर्शी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। दरअसल हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को प्रतिबंधित दवा का सेवन करने का दोषी पाया गया था। इसके बाद उन पर 15 नवंबर तक का बैन भी लगाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि बीसीसीआई का कहना है कि शॉ ने गलती से दवा का सेवन कर लिया था, जिसे उन्होंने प्रेस रिलीज में स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब सालों तक नानुकुर करने के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड शुक्रवार को राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी नाडा के नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो गए हैं। आखिरकार बीसीसीआई के पास इसके अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही उसके राष्ट्रीय खेल महासंघ NSF बनने की संभावना ज्यादातर बढ़ गई है। रिजिजू ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुद्दा या मामला अनसुलझा रहे, सारे मतभेद सर्वसम्मति से निपटा लेना चाहिए, क्योंकि मैं खेलों और खिलाड़ियों के हित में खेलों में स्वच्छ और पारदर्शी शासन भरोसा करता हूं। फिलहाल अब बीसीसीआई के पास नाडा के नियमों का पालन करने और उसका स्वागत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और इसी के चलते खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी बीसीसीआई के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के अंतर्गत आने का फैसला ले लिया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से श्रुति की रिपोर्ट।